भारत सरकार के सहयोग नाल वाई वी प्रोग्राम के तहत सेहत तंदुरुस्ती नौजवानों लिए खेडा का एजेंडा बी के निशादी जी की प्रधानगी हेठ प्रभु मिलन भवन पात्रा च समागम करवाया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत ब्रह्म कुमारी दे यूथ विंग दे जोनल कोआर्डीनेटर बी के अरुण जी बी के निशा दीदी जी श्रीमती वीना गर्ग रणवीर सिंह प्रधान नगर कौंसल पात्रा वालों मोमबत्ती जला के की गई है। आज प्रभु मिलन भवन ब्रह्म कुमारी आश्रम पात्रा की Y20 प्रोग्राम आयोजित किया गया जे भाई धर्म विशेष तौर पर आए ने और एक साड़ी दीदी जी पटियाले डॉक्टर वो विशेष तौर पर प्रोग्राम दसन लिए चलाने लिए आए ने मैनू भी इनवाइट किया गया जी। जिहड़ियां गल्लां बातां कही गई ने वो साडे इस दुनिया की सिस्टम चलाने लिए जन्म तो लेके ने अखीर तक जे काम वाली चीज़ा ने ध्यान किवें करना साहस किवें करना मन शांति किवें लाउणी कोई दिक्कत आउंदी मन नहीं लगता बच्चा पढ़ाई जी नहीं लगता वो बारे बहुत सारिया गल्लां कही गई ने जिहड़ी जीवन के अपनानी चाहिए ने। मैं तो यह महसूस करता जिन्नी गल्लां कहीं ने तकरीबन 90% गल्ला जीडिया ने वो मैं पहले ही अपनाई हुई जोड़े ने समा कड़के ने मेरे बच्चे उन्होंने प्रोग्राम जोड़े ने वो दिखाने चाहिए ने प्रोग्राम सुनने ना जोड़े बच्चे ने वो देश का भविष्य बनते हैं कोई साइंटिस्ट बनता हो कोई डॉक्टर बनता हो कोई इंजीनियर बनता हो ये बच्चों के मन में भावना पैदा करने वाली गल है ये प्रोग्राम है बाकी स्कूलों में दिखाने चाहिए ने इतर ब्रह्मा कुमारी प्रभु मिलन में पात्रा में स्कूल के बच्चों के लिए Y20 का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ ये भारत सरकार के सहयोग के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में प्रोग्राम कर रहा है जिसमें कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आज की युवा पीढ़ी को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आंतरिक और बाहरी सुख शांति के लिए तथा स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए इनकरेज कर रही है क्योंकि अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा सशक्त होगा तो ही भारत विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा यही हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है। ओम शांति। आज का ओम शांति ये मदर डे स्कूल के बच्चे आए और ये सारा इनको बताया गया कि कैसे हम अपने जीवन में मन सुखी रह सकते हैं हेल्थ ला सकते हैं उसके लिए बताया गया कि भाई जंक फूड बच्चे बहुत खाते हैं उसको छोड़ो और फिर कहते नींद नहीं आती तो मोबाइल फोन का कम यूज करो और पढ़ाई में एकाग्रता के लिए मेडिटेशन करना है और बताया कि अपने पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करें टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट करें तो कई बच्चों ने कहा कि गुस्सा बहुत आता है तो कैसे हम इस गुस्से को कम करें वो भी उनको बताया कि यही कहना है कि मैं एक सांस रूप आत्मा हूँ वो शांति के सागर की संतान है उठते बैठते हम उस परमात्मा का शुक्रिया करना है और अपने माता पिता का शुक्रिया करना है क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायत है पापा ये करते हैं या मम्मी ये करते हैं लेकिन नहीं हमारे माता